नमस्कार दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट है। जैसे कि इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, इसके साथ साथ ये पान गुटके के दाग थे तो वो तो निकल गए, मगर ये दाग नहीं निकल रहे थे तो मुझे लगा ये खेती के गम के दाग होंगे, इसलिए ये थोड़ा देर से निकलेंगे। तो फिर टाइम दे दिया तो भी नहीं निकले, तो फिर मैंने इसके ऊपर CS6040 और स्टेन बूस्टर पाउडर यूज़ किया, टाइम दिया तो भी नहीं निकले। तो फिर मैंने सोचा कुछ तो भी गड़बड़ है, और ये गड़बड़ चेक किया और ये अपडेट आपको देना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम दाग नहीं पहचान सकते तो फिर रिज़ल्ट नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से प्लायर से रिज़ल्ट आना चाहिए था, नहीं आ गया। CS6040 से रिज़ल्ट आना था, नहीं आ गया। इसका मतलब दाग में कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए फिर ये ऑयल के दाग है, छींटे आ गए, और छींटे आने के बाद में क्या हो गया, ये ब्राउन से हो गए। तो ये SCI है, इसका स्टिकर निकल गया है। ये इसको अगर हम बिगर कपड़ा गीला किए यूज़ करते तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता, मगर अभी कपड़ा गीला हो गया था। तो भी देख लेते हैं कि पहले SCI लगा दो, SCI के बाद में एक्सल, जो ग्रीस के दाग है, ऑयल ग्रीस के, इसके लिए हमारे पास परफेक्ट इलाज है, SCI और एक्सल बिगर कपड़ा गीला किए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि गीला करके यूज़ कर रहे हैं, तो फिर देखते हैं रिजल्ट। ये बिल्कुल निकल रहा है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आप दाग पहचानने में गलती करते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि एक और एक दो होते हैं, फिर तीन नहीं होते, चार नहीं होते, ठीक इसी तरह से एक और एक दो होते हैं, दो का मतलब दो ही होते हैं, और कहीं भी जाओ दो ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे केमिकल भी ऐसे परफेक्ट है, निकलता है मतलब निकलता ही है, नहीं निकलता है मतलब वो उस चीज़ का दाग नहीं है जिसका हमने केमिकल यूज़ किया है। तो ये हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे केमिकल से ये पान गुटके का दाग या फिर वो पेड़ पौधे का दाग निकल ही जाना चाहिए था। क्यों नहीं निकला? क्योंकि डाउट लेने का तो कोई ये भी नहीं है, क्योंकि निकलता है मतलब निकलता ही है। तो फिर ये तो नहीं निकल गया, तो इसका मतलब हमने देखा कि ये दाग पहचानने में कुछ गड़बड़ है। तो फिर दूसरा अंदाज़ा, ऑयल के दाग ऐसे होते हैं। तो फिर उस हिसाब से हमने इसके ऊपर केमिकल यूज़ किया तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो फिर ये ऑयल का ही दाग था, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल निकल गया। जो थोड़ा सा रह गया है इसको तो हम निकाल देंगे, और ये बिगर कपड़ा गीला किए यूज़ करते तो ये इतना भी नहीं बचता। तो इसका मतलब ये है कि परफेक्ट केमिकल है, परफेक्ट रिजल्ट आता है। नहीं रिजल्ट आता है तो टाइमिंग में हो, या फिर यूज़ करने में, या दाग पहचानने में कोई गड़बड़ हुई होंगी, क्योंकि रिजल्ट आता है मतलब आता ही है। तो ये पूरे दाग इस तरह से निकाल देंगे। अगर इसको बिगर गीला किए करते तो बहुत जल्दी निकल जाता, कोई बात नहीं, गारंटी दी वाली है। दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी करेंगे। बस आपको यह बताना था कि दाग पहचानने में गलती हो जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, और सही दाग है तो अपने केमिकल पूरे गारंटेड सही, यानी कि सही ही है। तो दोस्तों, इसी तरह से जंग के दाग भी कभी कभी पान गुटके जैसे दिखते हैं और वो नहीं निकलते, इसका मतलब वो पान गुटके के होंगे। तो दाग पहचानने में आप गलती ना करें, केमिकल परफेक्ट है। अगर उसी से नहीं निकलते हैं तो इसका मतलब ये है दाग अलग है। तो मैंने जिस तरह से फिर केमिकल बदल के यूज़ किए, तो आप केमिकल बदल के यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अपना लॉन्ड्री नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स। जय हिंद।